हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी आ गए हम लोग मार्केट में और आर्यन साथ में है, तो अभी आ गए हैं और हम लोग लेने आए हैं पाव। आर्यन बोला कि आज पाव भाजी बनाओ, मैं बोली ठीक है। तो वही अभी आर्यन से मैं पूछ रही थी कि कुछ चाहिए, तो बोला कि नहीं बस मुझे पाव भाजी खाना है और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये देखो इतना अच्छा अच्छा केक्स पड़ा है, लेकिन इसको नहीं चाहिए अभी, बहुत अच्छा अच्छा है ये सब। तो चलो अभी पाव ले लिए हम लोग, ये देखो, और भाजी बना दी हूँ, भाजी बना के आई हूँ। तो चलो अब जाके गर्मा गर्म खाना है ना आर्यन। तो बस और अभी है हम लोग मार्केट में, ये देखो हम लोग घर, और ये देखो पाव भी आ गया है। तो अभी चलो पाव को गर्म कर लेती हूँ, तो आर्यन खाएगा अभी। ये देखो उधर क्या कर रहे हो तो चलो पाव को गर्म कर देती हूँ और उसके बाद सबको खाना दे देती हूँ। सब कुछ रेडी हो गया है सब कुछ, तो चलो जल्दी से खाना दे देती हूँ। और आज दो ब्लॉग आने वाला है, एक सुबह आ गया ब्लॉग, एक ये ब्लॉग अभी रात में आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोग ऐसे मतलब सपोर्ट करो, ऐसे प्यार दो ताकि मुझे भी अच्छा लगे, तो मैं भी ऐसी मतलब अच्छी अच्छी वीडियो लेके आती रहूँगी। चलो जल्दी से मैं खाना दे देती हूँ, और ये देखो आप लोग को मैं दिखा दे, देखो ये भाजी है, भाजी बनकर रेडी है। धनिया पत्ता भी नहीं डाली हूँ, धनिया पत्ता डालूँगी, काट के रखी हूँ। ये भाजी के ऊपर से डालने पे अच्छा लगता है। और ये इधर तवा गर्म हो गया है, और ये इधर रहा पाव। तो चलो पाव को गर्म कर लेती हूँ। अभी जा रही हूँ आर्यन को देने। तो कैसा बना है पाव भाजी, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। ये देखो पाव भाजी बनकर रेडी है। तो दोस्तों अभी खाना हो गया है, और अभी मैं रूम में आ गई हूँ, और अभी बज रहा है 12। तो अभी एकदम 12, बस 5 मिनट में 12 बजने वाला है। और ये देखो मेरी आंखें एकदम लाल हो गई है ऐसे, मतलब नींद जैसी आ रही है। तो अभी के लिए वीडियो यहीं तक रहेगा, और इसी ब्लॉग में मिलते हैं कल सुबह। तो चलो
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आप मेरे चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, आप लोग सब्सक्राइब करो। तो चलो ऐसी अच्छी अच्छी रील्स लेकर आती रहूँगी, और मिलती हूँ कल सुबह एक नए उमंग के साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी सुबह हो गई है और अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने, और आर्यन के दूध देने। आर्यन भी उठ गया है कि आर्यन को जाना है ट्यूशन, और आज है आर्यन के एग्जाम। तो आज लास्ट एग्जाम है, बस प्लीज़ का पेपर अच्छे से हो जाए, बस थोड़ा सा टेंशन यहाँ से कम हो जाएगा। तो चलो दे देती हूँ आर्यन को दूध। क्या आर्यन उठ गया है? देखो इधर, तो अभी आर्यन के दूध दे देती हूँ, और चाय भी रख दी हूँ मैं अपने लिए गैस पर। तो चाय बन जाएगी, चाय पी लूँगी, उसके बाद फिर अभी आर्यन के दूध दे देती हूँ, उसके बाद फिर नहाना है, पूजा करना है। तो चलो जल्दी से आर्यन के दूध दे देती हूँ, क्योंकि आर्यन अभी उठ गया है और रूम से हॉल में आ गया है। आप लोग देखे ना, हॉल में लेटा ही, देखो। तो दे दी दूध, और फिर अब जाऊँगी मैं नहाने की, पूजा करनी है। तो मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर बाद, पूजा करने के बाद। तब तक आप लोग ब्लॉग में जुड़े रहो। तो अभी आ गई मैं पूजा करके, और अभी धूप भी बहुत अच्छा निकल रहा है। मतलब आजकल ऐसा धूप आ रहा है ना, एकदम कुछ मतलब बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा है, ऐसे धूप निकल रहा है, एकदम गर्मी आ गई है। तो पूजा हो गई है, अब चलो जा रही हूँ नाश्ता बनाने। तो नाश्ता में आज सैंडविच बना रही हूँ, इसकी ब्लॉग आई होगी, आप लोग को दिखी होगी, इसकी ब्लॉग पहले डाल दी थी मैं, इसकी रेसिपी, नाश्ता की रेसिपी डाल दी थी मैं, तो आप लोग को दिख गई होगी। तो यही मैं नाश्ते में यही बनाई सैंडविच, और बहुत अच्छी बनती है, एक बार फिर से बोल देती हूँ। मतलब आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग घर पे ट्राई करना, आप लोग बनाना, मेरे घर पे सब खाते हैं, देखो कितना अच्छा बन रहा है, बहुत अच्छे से बन जाता है। तो चलो जल्दी से नाश्ता सबको दे देती हूँ, उसके बाद फिर अभी खाना बनानी है। तो खाना मैं क्या बनाऊँगी दोपहर के खाना में, तो आप लोग से मैं दिखाती हूँ मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो बस आप लोग को कुछ नहीं करना है, आप लोग को ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहना है, और बाकी काम तो मैं कर ही रही हूँ। तो इधर देखो नाश्ता बन गया, उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में। मैं सोची किचन में खड़ी होकर कब तक काटूँगी, तो रूम में बैठ गई, और बैठ के फिर काट रही हूँ सब्जी। सब्जी में मैं लाई थी कल तोरी, ये खरोई बोलते हैं, जो झिंगुनी का मतलब दूसरा जात एक होता है ना, खरोई, तो वही लेकर आई थी। इसकी सब्ज़ी अभी बहुत अच्छी लग रही है, अभी गर्मी भी आ गई है, तो वही अभी काट रही हूँ। ये छिलनी से जो छिलते हैं ना, उससे नहीं छिलता है ये, उसे नेनुआ जो होता है ना, तरोई तोरी, तो वो छिल जाता है, लौकी छिल जाता है, पर ये जो है ना, इसका छिलका जो होता है ना, बहुत मोटा होता है, तो ये नहीं छिलता है, इसीलिए चक्कू से मैं निकाल रही हूँ। तो चलो जल्दी से सब निकाल लेती हूँ, काट लेती हूँ, और आज ये सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, उसके बाद रोटी, और देखो और क्या बनाने वाली हूँ। तो बस आप लोग ब्लॉग को देखो, फुल वॉच दो, और ऐसी सपोर्ट करो, ऐसी प्यार दो। मैं और ऐसी अच्छी अच्छी ब्लॉग्स लेकर आती रहूँगी आप लोग के साथ, बस आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। तो चलो जल्दी जल्दी काट लेती हूँ, फिर रोटी भी बनानी है मुझे, और आर्यन को भी जाना है स्कूल। तो दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पेंड करूँगी, क्योंकि वीडियो रात से ही चल रही है तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए वीडियो को यहीं पेंड करना पड़ेगा। और इसके बाद अब जाऊँगी मैं खाना बनाऊँगी, उसके बाद आर्यन भी जाएगा स्कूल, और मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप लोग प्यार देते रहो, सपोर्ट करते रहो, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी। बाय बाय।